ओके सो सॉरी फॉर इंटरप्शन। बुक्स के बारे में मैं हम पढ़ रहे थे। मैंने आपको भी बताया था कि यानी टू बिट से 00 कम्बिनेशन, 01 कम्बिनेशन, 10 कम्बिनेशन और 11 कम्बिनेशन ये बनती एट ए टाइम। या ये जाएगा आउटपुट से या फिर ये जाएगा आउटपुट की तरफ या ये जाएगा या ये वाला जाएगा। सही। सो इनकी सिलेक्शन एक स्विच की मदद से होगी। सही है। और इसका जो स्विच है वो एक स्विच इसके लिए चाहिए वन बिट का, क्योंकि 2 raised to the power n, इसकी n की वैल्यू क्या है, 1 है ना। यानी सॉरी यहाँ पे है चूँकि 2 bit हैं तो ये 2 raised to the power 2 2 bits हैं। सही। सो इनकी सिलेक्शन होगी एक स्विच से। ठीक है। और वो ये बताएगा कि कौन सी इंफॉर्मेशन ने जाना है। ठीक है। तो चूंकि यहाँ पे n की वैल्यू है 2, तो इसलिए 2 bit स्विच लाइन होगा। ठीक है। और वो ये बताएगा कि कौन सा इंफॉर्मेशन ने जाना है। सही है। अच्छा। सो ए मल्टीप्लेक्सर, इधर देखें, ए मल्टीप्लेक्सर इज ए डिवाइस दैट अलाउज डिजिटल इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेवरल सोर्सेज टू बी routed onto a single line for transmission over the line or that line to have a common destination. सबकी डिस्टिनेशन क्या है, कॉमन है। सही है। यानी चैनल एक है और इनपुट वो मेनी है। अच्छा, रियल में जब आप टेलीफोन पे या मोबाइल पे बात करते हैं वो भी इस तरह ही होता है, चैनल एक होता है। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यूज़र वन है। सही है। ये यूज़र वन है, वो अली है फॉर एग्जांपल। दूसरा जो है वो क्या है, उसामा है। ठीक है। तीसरा जो है वो तैयब है और चौथा जो है वो हसनैन है फॉर एग्जांपल। अब एक बात अली ने की, ठीक है, वो इंफॉर्मेशन स्विच सेलेक्ट लाइन ने इसकी बात को सेलेक्ट किया और इसी एक चैनल पे वो लेके जा रहा है। सही। अच्छा। और फिर यहाँ पे डिकोडर सॉरी डीमक्स लगा होगा, वो ये जिससे बात कर रहा है उसी तक इसकी इंफॉर्मेशन पहुँच जाएगी, अगर चैनल एक ही है। सही। फिर उसके बाद इसकी इसको सेलेक्ट लाइंस सेलेक्ट कर लेगा और इसकी बात अपने आउटपुट तक पहुंच जाएगी, फिर इसकी बात सेलेक्ट हो जाएगी, फिर ये ना। अच्छा, जब इसकी बात सेलेक्ट होगी तब इसकी बात को सेलेक्ट नहीं किया जाएगा, बाकी के इंफॉर्मेशन को सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। तो फिर आप कहेंगे कि हम तो कंटिन्यूसली बात करते हैं और हमें जो सुनने वाला है रिसीवर रिसीविंग एंड पे, उसने तो कभी ये नहीं कहा कि आपकी बात कट रही है, या यानी आप एक बात कर रहे हैं, आपने एक बात स्टार्ट की और फिर आप रुक गए और फिर आपकी बात स्टार्ट हुई, फिर आप रुक गए, फिर आपकी बात स्टार्ट हुई। यानी जब ये तब जो है यानी रुकेगा जब इनकी इंफॉर्मेशन ली जाएगी, जब इसकी इंफॉर्मेशन ली जाएगी तो फिर इनकी नहीं ली जाएगी। असल में इनकी जो इंफॉर्मेशन लेने की जो वो है सेलेक्शन, वो उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत फास्ट होती है, तो आपको पता नहीं लगता कि यानी अभी आपकी बारी नहीं है, अभी किसी और की बारी है। तो इसलिए नहीं होता क्योंकि वो बहुत तेज़ी से ये सेलेक्ट किया जाता है, इसकी सेलेक्शन की, फिर इसकी यानी एक सेकंड में। अगर फॉर एग्जांपल इसकी फ्रीक्वेंसी 10 है तो 10 का क्या मतलब है कि एक सेकंड में 10 साइकिल्स जा रहे हैं और एक एक साइकिल एक एक यूज़र की है, तो 10 यानी 10 यूज़र्स की इंफॉर्मेशन एक सेकंड में।
तो यानी मिली सेकंड्स का गैप एक एक यूज़र के लिए आ रहा है, जिसकी वजह से हमें रिसीविंग एंड पे ये अंदाज़ा नहीं होता कि किस तरह जो है यानी वो किया जा रहा है, किस तरह जो है यानी यानी वो जो है यानी इसकी इंटरप्शन हमें रिसीविंग एंड पे फील नहीं होती। इसकी मिसाल इसी तरह है कि अगर हम ये कहें कि वापडा की जो बिजली है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो है कितनी है, 50 हर्ट्स है, सही। तो 50 हर्ट्स में कितनी दफ़ा ज़ीरो आ रहा है, 100 टाइम्स वो ज़ीरो आ रहा है। ठीक है, एक यहाँ पे ज़ीरो, एक साइकिल में 2 दफ़ा ज़ीरो आता है, फिर उसके बाद दूसरा साइकिल स्टार्ट होता है तो भी यहाँ पे ज़ीरो और यहाँ पे ज़ीरो। ठीक है, तो यानी 1 सेकंड में 100 दफ़ा बिल्कुल बिजली होती ही नहीं है। ज़ीरो का मतलब है कि वोल्टेज ज़ीरो है। वोल्टेज ज़ीरो का मतलब है कि पंखे को रुकना चाहिए या बल्ब को ऑफ होना चाहिए, कोई भी अप्लाइंसेस लगा है उसको ऑफ होना चाहिए, जबकि वो ऑफ नहीं हो रहा। तो उसकी वजह ये है कि वो इतना जल्दी यानी 1 सेकंड में 50 वो साइकिल्स जा रहे हैं, तो इसलिए हमें ये फील नहीं होता कि ये बिल्कुल ऑफ भी होगा। ठीक है, तो वो ज़ीरो को क्रॉस कर भी रहा है मगर हमें ये फील नहीं होता। इसी तरह यहाँ पे भी होता है कि आपकी इन्फॉर्मेशन बारी बारी ली जाती है और वो एक ही चैनल से नीचा होता, तो होना तो ये चाहिए कि अली के लिए अपना चैनल हो, ठीक है, उसामा के लिए अपना चैनल हो, तैयब के लिए अपना चैनल हो, हसनैन के लिए अपना चैनल हो। अगर इस तरह होगा तो फिर इस पे ख़र्चा ज़्यादा आएगा, क्योंकि इसके लिए अलग चैनल, इसके लिए, इसकी मिसाल इस तरह है कि इसके लिए अलग रोड, उसामा के लिए अलग रोड, तैयब के लिए अलग रोड, हसैन के लिए अलग रोड। अलग अलग रोड तो बनाना ये तो बहुत ही अन इकोनॉमिकल अप्रोच है। एक ही रोड होता है और सब उस पर जा रहे होते हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल यहाँ पे भी चैनल एक होता है, सबकी इंफॉर्मेशन बारी बारी ली जाती है। जो बारी बारी ली जाती है इसकी सिलेक्शन कौन करता है, सेलेक्ट लाइंस करते हैं, ठीक है ना, टू रेज द पावर एन इनपुट्स के लिए। ठीक है, टू रेज द पावर एन इनपुट लाइंस के लिए एन सेलेक्शन सेलेक्ट लाइंस होंगी, सही, एन सेलेक्ट लाइंस होंगी। ठीक है, यानी क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि टू रेज द पावर एन है, उसके लिए एन सेलेक्ट लाइंस होंगी। अब ये जो एग्जांपल है इसमें क्या है, कितने इनपुट्स हैं, 4 इनपुट्स हैं, मतलब है कि एन की वैल्यू हमने क्या ली है, 2 ली है। ठीक है, टू रेज द पावर एन का मतलब है कि 4 इनपुट्स यानी इंफॉर्मेशन लाइन या इनपुट लाइंस, और एन यानी 2, इसमें सेलेक्ट लाइंस होंगी। तो 2 सेलेक्ट लाइंस का क्या मतलब है, एक का मतलब है 0 और दूसरे का मतलब है कि 1, सही, ये ठीक है। अच्छा, अब इसकी सिलेक्शन किस तरह होगी, सेलेक्ट लाइंस को किस तरह सेलेक्ट करेंगे वो हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो मैं ये बता रहा हूँ कि इसका जो ब्लॉक डायग्राम है इसको समझने की कोशिश करें। ये है मक्स, ठीक है, और ये दो हैं इनपुट लाइंस, इनपुट लाइंस ये है आउटपुट, जो कि हमेशा मक्स के लिए हमेशा आउटपुट 1 ही होगा। मतलब क्या है कि एक चैनल से हम इसको गुजारेंगे तो ये हमेशा आउटपुट, आउटपुट लाइन, आउटपुट चैनल 1 ही होगा। और ये है एस सेलेक्ट लाइन, ठीक है, ये सेलेक्शन करेगा भाई आपने जाना है, आपने जाना है इस तरह, ठीक है ना। तो ये सिलेक्शन करना है किसकी इंफॉर्मेशन की बारी है, तो ये वो चौकीदार खड़ा है जो कि इस बात की निशानदेही करता है कि आपने गुजरना है और आपने गुजरना है, सही। अच्छा, अब ये देखें, जब 0 0 होगा सेलेक्ट लाइंस यानी 2 पावर एन के लिए एन सेलेक्ट लाइंस है ना, ठीक है, एन सेलेक्ट लाइंस है, एन का मतलब है 2, यहाँ पे हमने 4 इंफॉर्मेशन ली हैं।
आई नॉट एक इंफॉर्मेशन है जो कि अभी मैंने एग्जांपल ली थी अली की और ये इस तरह की, ठीक है, ये वो उनकी बातें हैं, ठीक है, फोर यूज़र्स हैं। अच्छा, जब सेलेक्ट लाइन ज़ीरो ज़ीरो होगी इसका मतलब है कि आई नॉट इंफॉर्मेशन चला जाए, बाकी रुक जाए। अब जब 01 सेलेक्ट लाइन आएगा तो I1 चला जाए, बाकी रुक जाए, ठीक है, बाकियों की बारी नहीं है। जब 10 सेलेक्ट, यानी जब S1 1 हो जाएगा और S0 0 हो जाएगा, सेलेक्ट लाइन्स इस तरह आ जाएंगी, तो I2 इंफॉर्मेशन चला जाए और बाकी तीनों रुक जाएं, क्योंकि चैनल एक है, बारी बारी जाना है। अच्छा, जब 11 सेलेक्ट लाइन S1 भी 1 होगा, S0 भी 1 होगा, तब I3 इंफॉर्मेशन चला जाए और बाकी तीनों रुक जाएं, लेकिन इनकी इंफॉर्मेशन उस वक्त नहीं जाएगी, क्योंकि एक चैनल में एक ही वक्त में एक ही इंफॉर्मेशन जा सकती है, या I0 की जाएगी, या I1 की, या I2 की, I3 की। अब हमने सब को करना है, तो इसके लिए सेलेक्ट लाइंस के ज़रिए हम इन तीनों की इंफॉर्मेशन जल्दी इतने फास्ट लेंगे कि इनको पता ही नहीं लगेगा, रिसीविंग साइड को पता ही नहीं लगेगा के बीच में कटिंग हुई है। सही, अब इस ये सैम्पलिंग पे डिपेंड करता है कि किस तरह सैंपल लिए गए हैं, सही, कितने गैप से सैंपल लिए गए। अगर ये आप बात कर रहे हैं, ये इसकी इंफॉर्मेशन है। अब अगर सैंपल इस तरह लिए गए हैं, एक सैंपल यहाँ पे लिया गया आपकी बात से, एक यहाँ पे लिया गया, एक यहाँ पे लिया गया, एक यहाँ पे लिया गया, क्लोज क्लोज सैंपल्स लिए गए, ठीक है ना, तो आपकी जो बात होगी वो इस तरह हो जाएगी। अभी मुझे ड्राइंग करना थोड़ा वो है, मुश्किल है यहाँ से, अगर एनी हाउ मैं कोशिश करता हूँ ये, ठीक है, तो बिल्कुल क्लोज है टू दी इंफॉर्मेशन यू आर प्रोवाइडिंग, ठीक है ना, ये एक साइनोसाइडल वो सैंपल्स के शक्ल में साइनोसाइडल बना दें, ठीक है ना, ये इस तरह। अब अगर ये इस तरह होगा, एक सैंपल यहाँ पे लिया, दूसरा यहाँ पे लिया, तीसरा यहाँ पे लिया, चौथा यहाँ पे लिया, बस चार चार सैंपल ले लिए, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो क्या होगा कि आपकी जो बात होगी वो इस तरह होगी, यहाँ से यहाँ तक इस तरह, ये इस तरह, ये इसको आप कंबाइन करें, ये तो ये अब इस तरह की नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि बात की समझ नहीं आएगी कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। यानी बाज़ दफ़ा आप कहते हैं कि आपकी आवाज़ कट रही है और समझ नहीं आ रही, वो असल में इस तरह हो जाता है, आपकी आवाज़ इस तरह हो जाती है, ठीक है, डिस्टॉर्शन जिसे कहते हैं। सो कहने का मकसद ये कि सैंपल इतने क्लोज दिए जाते हैं कि आपको पता भी नहीं लगता, इतने जल्दी लिए जाते हैं कि रिसीविंग साइड को पता भी नहीं लगता कि उसकी आवाज़ वो है, यानी कट रही थी बीच में, वो कट बहुत ही कम वक्त के लिए कट रही थी, यानी मिली सेकंड्स के लिए कट रही थी, इसलिए आपको अंदाज़ा नहीं हो रहा। और मैं ये बात बता दूँ कि इस तरह मल्टीप्लेक्सर से जो रिसीविंग साइड पे जो इंफॉर्मेशन होती है वो प्योर इनपुट साइड जैसी नहीं हो सकती, कभी भी प्योर कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि आप चार यूज़र्स के लिए एक ही चैनल यूज़ कर रहे हैं और आप कहेंगे कि बिल्कुल आउटपुट पे वही ही यानी अनइंटरप्टेड वो इंफॉर्मेशन जाएगी, ये बात गलत है। उसमें इंटरप्शन हो रही है मगर वो बहुत ही यानी कम वक्त के लिए हो रही है, इसकी आपको पता नहीं चल रहा है। तो एक दफ़ा मैं फिर बता दूँ, ये है उसका सेलेक्ट लाइन का, ठीक है, की कहानी कि किस वक्त कौन की किस इंफॉर्मेशन की सिलेक्शन होगी। ये है इनपुट आई इनपुट लाइंस, ठीक है, ये S0 और S1 क्योंकि 2^2 के लिए यानी 4 इनपुट लाइंस के लिए 2 सेलेक्ट लाइंस होंगी जो कि मैंने यहाँ पे लिखी हैं। सही, अब अगर तो इसको हम कहते हैं 4×1, और यहाँ पे मैंने और गेट इसलिए लगाया क्योंकि इन तीनों से कोई भी इंफॉर्मेशन आ जाए, अगर यहाँ से 1 आ जाए, इन तीनों से 0 आ जाए,
तो इनको ऐड करके वन ही आएगा, ये हमेशा यहाँ से वन आएगा। यहाँ पे वन कर दें, इनको ज़ीरो कर दें तो तब भी वन ही आएगा। यहाँ पे वन कर दें बाकी तीन को तब भी वन ही आएगा। अगर यहाँ पे मैं एंड गेट लगा दूँ तो फिर तो हमेशा आउटपुट ज़ीरो होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर वन है और बाकी ज़ीरोज़ हैं तो वन ज़ीरो 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 इनका एंड जो है वो ज़ीरो ही आएगा। तो इसलिए मैं यहाँ पर क्या लगाऊँगा, हमेशा और गेट ही लगाऊँगा, जो कि ताकि अगर ऐड करें भी तो आउटपुट हमेशा वन आए। ये तो था 4x1 mux। अब अगर 8x1 mux होगा तो मुझे बताएं कि इनपुट लाइंस कितनी होंगी, आउटपुट लाइंस कितनी होंगी और सेलेक्ट लाइंस कितनी होंगी। जी स्टूडेंट्स, 8x1 के लिए ये इंफॉर्मेशन मुझे बताएं, इनपुट लाइंस कितनी होंगी, आउटपुट लाइंस कितनी होंगी और सेलेक्ट लाइंस कितनी होंगी, डेटा सेलेक्टर कितने होंगे। जी सर, इनपुट 2 होगा सर, इनपुट। एक मिनट, कौन बता रहे, उसामा? अच्छा जी, उसामा 2 होगा सर, इनपुट लाइंस 2 होंगे। अच्छा, और सर आउटपुट लाइंस कितने होंगे? किसने कहा ये, आफाक ने? आउटपुट लाइंस 4 होंगे। अच्छा, और सेलेक्ट लाइंस कितने होंगे? 4। अच्छा, इसका मतलब ये है कि आप सारे सोए हुए हैं और तुक्के मार रहे हैं, बस एक ने कहा 4, दूसरे ने कहा 4, तीसरे ने कहा 2, चौथे ने कहा 8, पांचवे ने कहा 3, बस जो भी मुंह में आता है वो बोलते चले जा रहे हैं। ना इनपुट लाइंस 2 हैं, ना आउटपुट लाइंस 4 हैं और ना सेलेक्ट लाइंस 4 हैं। कोई भी लेक्चर नहीं सुन रहा और फिर कहते हैं पेपर मुश्किल है और पेपर ये है पेपर वो है। किसी ने भी अभी मेरे लेक्चर को नहीं सुना सर। जी इनपुट लाइंस सर जी, सर जी इनपुट 8 है, सेलेक्ट लाइन 4 है और आउटपुट सर 1 है। आउटपुट 1 है, शाबाश। और सेलेक्ट लाइन? सेलेक्ट 4 सर। 4, ये गलत आपने बताया। देखिए मैं फिर रिपीट करता हूँ, सारे सुन रहे हैं। 8x1 mux है, माइक ऑफ म्यूट कर दें। अच्छा, 8x1 mux है तो ठीक है, तो 8x1 का मतलब ये है कि 8 तो होंगे इनपुट, जो कि नाम से जाहिर है, इसमें आपका कंफ्यूजन है, और आउटपुट होगा 1, जिस तरह ये इसके नाम से जाहिर है, ठीक है ना। 8x1 का मतलब है 8 इनपुट्स होंगे और 1 उसका आउटपुट होगा, और आउटपुट हमेशा 1 ही होता है, बार बार मैं बता रहा हूँ। और किसने कहा आउटपुट 4? कोई भी मल्टीप्लेक्सर हो, कोई भी, बार बार सुन लें, कोई भी मल्टीप्लेक्सर हो, कोई भी मल्टीप्लेक्सर हो, कितने बिट ही का हो, उसका आउटपुट हमेशा 1 ही होगा। क्यों? क्योंकि हम आउटपुट चैनल 1 ही यूज़ कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम मैनी टू 1 भी है। मैनी यानी इनपुट तो कोई भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, 16 भी हो सकते हैं, मगर आउटपुट हमेशा 1 ही होगा, इसलिए इसको मैनी टू 1 भी कहते हैं। अच्छा, इनपुट का अंदाज़ा आप 2^n से लगा सकते हैं और आउटपुट हमेशा 1 ही होगा, ठीक है। अच्छा, अब 8 है, 8 इनपुट है और 1 आउटपुट है, तो 8 को 2^ के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा, 2^2 आएगा या 2^3 आएगा या 2^4 आएगा? 2^3। हाँ, तो 2^3 का मतलब है कि कितने सेलेक्ट लाइंस होंगे? 3 सेलेक्ट लाइन। आपने गलत बताया है सर, अभी समझ गया सर। इससे पहले भी मैं यही बता रहा था मगर आप लोग सोए हुए थे। अच्छा जी, मैंने मास पढ़ा था, इसे थोड़ा सा नहीं सुनता है। सुने बस। अच्छा, तो अब ठीक है, 2x1 था, अब 8x1 इन्होंने नहीं दिया, मगर
ठीक है वो चलो मैं खुद से कर लेता हूँ। ठीक है सो इनपुट होंगे 0000, ठीक है 3 बिट से होगा। ठीक है सो ये 0010 0010, ठीक है 100 इस तरह, ठीक है सारा 101 110 और 111, ठीक है ये होंगे इंफॉर्मेशंस। ठीक है और अब इनको सेलेक्ट करना है, ये हुआ फॉर एग्जांपल I0, ये हुआ I1, ये हुआ I2, ये सर 3 वो है, तो ये हुआ स्विच के लिए भी इस तरह होगा। आप इनपुट को 00 इस तरह के फॉर्म में ना लिखें, चलो इनपुट को स्ट्रेट अवे आप I0 I1 I2 ठीक है I3 इस तरह और I8 तक ले जाएं, सॉरी I7 तक, I0 से स्टार्ट किए तो फिर I7 तक जाए। आप इसको सेलेक्ट करने के लिए 000 स्विच S0 S1 और S2, इसको सेलेक्ट करने के लिए 001, इसको सेलेक्ट करने के लिए 010, वही बस काउंटिंग कर दें 011 100 101 110 111, जब S0 भी 1 होगा S1 भी 1 होगा S2 भी 1 होंगे, जब तीनों 1 होंगे तब I7 इंफॉर्मेशन सेलेक्ट हो जाएगी। समझ आ रही है? तो इसकी डिज़ाइनिंग हम फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तो इसलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। ये मेनी टू वन कहलाता है और डी मक्स जो है उसका डी मल्टीप्लेक्सर या डी मक्स भी इसको कहते हैं, ये फिर उसका उल्टा होता है, ये 1-to-many होता है, ये आउटपुट साइड पे इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना, तो ट्रांसमिशन साइड पे मक्स यूज होता है और रिसीविंग साइड पे क्या यूज होता है, डी मक्स यूज होता है। ठीक, ये बिल्कुल उसका उल्टा है, यानी 1 इनपुट और मेनी आउटपुट, 1-to-many मेनी आउटपुट। क्योंकि इसने फॉर एग्जांपल अली की इंफॉर्मेशन ली 1 के थ्रू, यानी 1 चैनल के थ्रू आ गई, अब अली की इंफॉर्मेशन तो उसी के पास जाएगी जिससे वो बात कर रहा है, तो इसलिए मेनी का ये मतलब है, 1 इनपुट लेगा, अली की इंफॉर्मेशन ली इसने और अली जिससे बात कर रहा है उस तक पहुँचाया जाए। इस तरह हसनैन जिससे बात कर रहा है उसकी इंफॉर्मेशन ली जाएगी, तो ये इनपुट हुआ और जिससे वो बात कर रहा है वो उसी को पहुंचाई जाएगी, तो इसलिए 1-to-many डीमक्स होगा। तो ये अभी मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ और बाकी जो है वो फिर हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे। तब तक आप लोग ये जो आज पढ़ा है ये आप लोग देख लें, सही है? यस सर। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, मल्टीप्लेक्सर में कोई भी क्वेश्चन है वो आप लोग अभी पूछ सकते हैं। जी द क्वेश्चंस आर वेलकम, एनी क्वेश्चन सर? अभी नहीं लेकिन दोबारा पढ़ेंगे तो क्वेश्चन जरूर होगा। चलो सही है, ठीक है, ओके।